हेलो नमस्ते जी, हाउस एवरीबॉडी डूइंग टुडे। सो जैसा कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया कि आज हम लोग क्या ट्राई करने वाले थे, जी हाँ, आज हम अपने घर पे वेज मोमोज और वेज मैगी बना रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, तो इस मौसम में ऐसा डिश खाने का बहुत मन करता है, तो आज हम वेज मोमो और मैगी बनाने वाले हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Let's start this video। सबसे पहले हम गोभी को ग्राइंड करेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद हम प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे और जो हमारी सोयाबीन है उसको भी हम छोटा छोटा करके एकदम प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। सो दोस्तों, इसके बाद हम गोभी, प्याज और सोयाबीन को एक बर्तन में रख के अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम बर्तन में रख देंगे। सो अभी मोमोज के लिए अपना जो उसका बेस होता है, जो कि मैदे का बनता है, वो हम तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे, आई थिंक एक दो दो मोमोज अभी के लिए थोड़ा सफिशेंट है। सो बेसिकली क्या करेंगे, हम एक बड़ी रोटी बनाएंगे मैदे की, देखो फिर उसको हम एक कटोरी जो ये साथ में कटोरी रखी है इससे हम तो साइज में काट देंगे, इससे सारे मोमोज एक साइज के बनेंगे। ये इसी तरीके बट काफी हद तक ये काम करता है। तो भी देखो आप, सो किस तरह हम इसको साइज में काट रहे हैं, जिससे जितने भी अपने मोमोज बनते वो एकदम सफिशियंट साइज में बनेंगे। तो बाकी को हम दोबारा से रोटी बनाएंगे। सो स्टफिंग अपनी चालू हो चुकी है मोमोज की, दो मोमोज के हमने रख भी दिया है स्टफ करके, और ये देखिए मेरे भाई और दीदी लगे आज हेल्प करने के लिए। So I just try to make it out, मैं एक मोमो बना रहा हूँ, तो अभी देखते हैं कि मेरा वाला मोमो बनाने कैसा लगता है। Two thousand years later. I think ये काफी हद तक मोमो जैसा ही लग रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा बट अभी देख। सो देखो मैंने कैसे मोमो बनाया अभी। तो इसको मैं, सो दोस्तों स्टीम वाले मोमो बनाने के लिए हमने पानी गर्म कर दिया है पॉट में, और इसके ऊपर जो आटा छानने की जो ये जाली होती है वो रख दी है, तो अभी इस पर हम मोमो रखने वाले हैं और उनको कुछ देर तक स्टीम करेंगे, तब तक वो पक नहीं जाते। तो अभी स्टीम होने के बाद कुछ ऐसे बन के आए हैं। सो दोस्तों फाइनली अपने मोमो बन के तैयार है, और मेरी फैमिली, मेरे मम्मी जी, ताई जी, दीदी, मन्ना तक आज आ चुके हैं खाने के लिए, तो अभी हम ट्राई करेंगे कि कैसे बने। सो लेट्स ट्राई। सो मन्ना और आकाश बताओ कैसे बने मोमोज।
तो आकाश और मन्नत बताओ कि मैगी कैसी बनी है। Thank you very much for watching this video and don't forget to hit like button and also subscribe my channel. तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए bye bye.